करके भी इनसे सबसे एक रहा, मैंने बोला अस्पताल में तो पहुँचा दो, अस्पताल में पहुँचा दो बस, उन्हें कैसे भी करके बाकी पता। तो इन्होंने किसी ने अस्पताल में न पहुँचाया, इन्होंने मार दिया मुझे यार। यहाँ पे आके पड़े हुए थे, उनमें कुछ भी बचा नहीं था। अस्पताल ले जाते ना तो वो बच जाते भाई साहब। मुरादाबाद के थाना मंझोला इलाके के दिल्ली रोड स्थित डायनामिक डेकोर नामित फर्म में सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड उमेश चौहान काफ़ी लंबे समय से फर्म में नौकरी कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से एक महीने से नौकरी पर नहीं आए थे। दोपहर जब आज वो नौकरी पर पहुंचे तो गार्ड रूम से अपनी बंदूक निकाल कर चेक की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गोली लगने से उमेश चौहान की मौत हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री मालिकान ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि उनके पिता का शव जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि 3 घंटे पहले गोली लगने से उनके पिता की मौत हुई है। फैक्ट्री मालिकान ने लापरवाही की है, अगर वो वक्त रहते उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा देते तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद शायद उपचार में उनके पिता की मौत न होती, उनको बचा लिया जाता। भैया मामला कुछ भी नहीं, इन्होंने फोन करके बोला था कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे घर पे फोन आया, इनने फोन करके बोला था बल्लभ मेडल में काम करूंगा। हाँ। क्या बोलते पापा का एक्सीडेंट हो गया जल्दी आ जाओ। मैं सुना एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पहुंच गया। घर पहुंच के इनने कही जल्दी जाओ, डायनामिक में है वो। तो मैंने डायनामिक में मैं फोन करके भी इनसे सबसे ये कह रहा, मैंने उन्हें अस्पताल में तो पहुँचा दो, अस्पताल में पहुँचा दो बस, उन्हें कैसे भी करके बाकी पता। तो इन्होंने किसी ने अस्पताल में न पहुंचाया, इन्होंने मार दिया उन्हें। यहाँ आके देखा तो वो पड़े हुए थे, कोई उन्हें छू भी ना लिया, और ये लेके नहीं गए ना उन्हें अस्पताल ले जाते ना तो वो बच जाते भाई साहब। वो इन्होंने गए यहाँ बैठे हुए थे, कह रहे गोली मार, अब गोली मार ली तो लेके तो जाओ। कुछ और वीडियो में भी कुछ नहीं आ रहा। यहाँ कितने कितने घंटे तक बॉडी पड़ी रही? 10:10 की बात बता रहे हैं और मैं 1 बजे आया हूँ। 1 बजे भैया आपका नाम क्या? मुझे ये सूचना मिली थी कि उनके चोट लग गई है, आप आ जाओ। मैंने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कह रहे नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए, तो कह रहे थे नहीं नहीं आप आ जाओ, उनके थोड़ी सी चोट लगी है बस। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि बंदूक से गोली लगी है, उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आके पड़े हुए थे, उनमें कुछ भी बचा नहीं था। उनमें हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहीं नहीं पहुँचाया उन्होंने, ऐसे पड़े हुए थे। थाना मझोला क्षेत्र में आज एक प्रकरण संज्ञान में आया, एक एक्सपोर्ट फर्म डायनामिक एक्सपोर्ट, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम उमेश चौहान था, और जो अभी हाल में यहाँ मझोला थाना क्षेत्र में ही एक तक कॉलोनी आजाद नगर में रह रहे थे, मूल रूप से जनपद मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक परिवार से यहाँ पर रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, सागर सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी, उसमें काम करते थे और इस फैक्ट्री में पिछले समय से काम कर रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होने के कारण पिछले 1 महीने से यहाँ ये काम नहीं कर रहे थे। आज ये इस फैक्ट्री में सुबह आए थे और जो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है उससे इन्होंने अपनी बंदूक जो वहाँ इनकी रखी हुई थी उसको इन्होंने निकाल के उसको चेक कर रहे थे। उसी समय किसी कारण से ये फायर हुआ है जो इनको वहीं लगा और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। इनका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और इसमें जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उसकी जांच करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फैक्ट्री मालिकान ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिकान की लापरवाही की वजह से ही उनके पिता की मौत हुई है। जबकि इस मामले में जब मीडिया ने फैक्ट्री मालिकान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने
कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत निशार, मुरादाबाद।